चलिए आज तो महाशिवरात्रि का मौका है, हर जगह शिव 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 ही चल रहा है और इस समय मेरे साथ भी बिग बॉस के शिव है। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाशिवरात्रि के दिन हम कर रहे हैं तो हर हर महादेव। शिव, आपका एक सपना था कि मैं स्क्रीन पर दिखूं, हर जगह मेरा जलवा हो। जब आप एयरपोर्ट से आए या अमरावती गए, देखो आप अपने शहर जाते हो, आपके लोग प्यार करते हैं, लेकिन जब आप मुंबई वापस आए और जो एयरपोर्ट पे भीड़ थी, आपने बोला यही मुझे देख के लगा कि मेरा सपना पूरा हो। जी, क्या होता है घर में, तो घर अपना घर होता है, वहाँ पे आप कुछ भी कपड़े पहनो, कैसे भी रहो, आपके आई को आप हीरो ही लगते हो। बट जब बाहर के लोग कॉम्प्लीमेंट देते तब ज़्यादा मज़ा। तो अमरावती हो, महाराष्ट्र हो, तो इधर होता ही। बट जब पता चलता ना कि महाराष्ट्र के बाहर भी लोग पसंद कर रहे हैं, या फिर मुंबई में जो भी आप लोग हो या सब लोग जो भाग दौड़ करके आते हो, शिट 2 मिनट लगता है ये मेरे लिए हो रहा है क्या। मतलब 4 मंथ अगर पीछे जाऊंगा मैं या फिर 2-3 साल पहले जाऊंगा, तो वो जो चीज़ें मैं दूसरों के लिए देखता था, शिट यार एक दिन हम उधर होना चाहिए और ये सब अपने लिए होना चाहिए, वो चीज़ें पूरी हो रही है। और वो चीज़ें पूरी होती है ये मुझे लग रहा है, नहीं यार सपने पूरे होते हैं। आपको लगता है कि अब तो जर्नी शुरू हुई है, मतलब अब अपने आप को साबित करने का और मौका है और मेहनत करनी होगी क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई? नहीं, जर्नी सच्ची में शुरू हुई है अभी। अभी मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और मेरे सपने बहुत बड़े हैं। ये एक स्टेप है, मैंने हमेशा बोला कि बिग बॉस मेरे स्टेप है जहाँ से मैं लोगों तक पहुँचूँगा और मेरा काम शुरू होगा। अभी तो मेरी मेहनत भी बढ़ेगी और मेरी भूख भी बढ़ गई है, वो थोड़ी सी जो हाथ में से जो चीज चली गई है, तो अभी भूख बढ़ गई है, अभी तो मैं ज़ोरों से मेहनत करूँगा। खतरों के खिलाड़ी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका निमृत के साथ म्यूजिक वीडियो, ये सारी हम चीज़ें सुन रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कलश ने आपके नाम का पोस्ट डाल दिया था, खतरों के खिलाड़ी फर्स्ट कंटेस्टेंट कंफर्म, और उसके बाद वो डिलीट करके शालीन का डाला। हाँ, तो वो कोई भी चीज़ मुझे इजीली नहीं मिलती, तो कलर्स को भी लगाऊंगा, भगवान जैसा करता है कलर्स भी वही करूंगा, क्योंकि हमने भी तो इसको बनाया है तो उन्हें डिलीट की, और वो भगवान भी जैसे देता है बाद में, कलर्स भी देगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। तैयारी शुरू कर दी के की? हाँ, वो तैयारी की, बट अभी थोड़ा ये जो इसका पूरा टेस्ट तो कर लूँ बिग बॉस का, तो अभी उसके बाद थोड़े 4-5 दिन के बाद फिर वो स्विमिंग लगाना है मुझे, बाकी चीज़ें भी है, फिर वर्कआउट शुरू करूँगा। मुझे लगता है वहाँ पे भी बिग बॉस की गैंग ही होगी आधी तो। नहीं नहीं, बाकी चीज़ पता नहीं, मुझे अर्चना का नाम सुनाई दिया है, तो इस बार का खतरों के खिलाड़ी नहीं रहेगा क्योंकि अर्चना है, आधा बिग बॉस रहेगा आधा खतरों के खिलाड़ी रहेगा। रोहित सर, मैं इमेजिन कर रहा हूँ रोहित सर कैसे करेंगे, बट ठीक है जो भी रहेगा कुछ अलग रहेगा, जैसे इस बार बिग बॉस अलग था, खतरों के खिलाड़ी भी अलग रहेगा और ऑब्वियसली अर्चना। अर्चना के बारे में आप कुछ बोलोगे तो वो मार मार के मोर बना देगी। मुझे पता है मोर, पर अभी वो कल ही मिली थी, अभी मेरी दोस्त हो गई, बोले हम लोग मैं उसे आग नहीं मार रहा था, मैं आपको मार रहा था आग, और वो इसलिए मार रहा था कि उसने बोला था हम लोग दोस्त है, बोले हाँ दोस्त बन गए शिट। तो हाँ, बट एक अच्छी बात सभी में, सभी कंटेस्टेंट में, कि सभी ने वो जो चीज़ें हुई वो हो गई, हमारी बिग बॉस ख़त्म हो गया, सब हम जब भी मिलते हैं। एक भी फोटो साथ में नहीं देखी पार्टी में। कुछ लोग ऐसे होते कुछ लोग, बट अभी अर्चना हुई, प्रियंका ऐसे, मैं फोन पे भी हमें हमारी बात हुई, कुछ मस्ती कर रहे थे हम लोग, तो कुछ चीज़ें तो हुई। विकास से बात की, कुछ चीज़ सॉल्व की, कह रही नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ऐसे हुई थी। उसके कपड़े चोरी कर लिए थे, बताइए शिव, मतलब ये चीज़ें तो मैं बाहर आके देख रहा हूँ कि वो बाबा ये क्या, मतलब बिग बॉस ठीक है, बट ठीक है वो चीज़ें क्या टॉपिक पर बात करना, तो उसने आके बाद में बात भी की उनके वाइफ ने और उन्होंने, तो सब हैप्पी हैप्पी नोट पे चल रहा है, तो मतलब छोड़ो क्या वो वाइब हो गया ना, 4 महीने बहुत खेल लिया, तो अभी वो नहीं चाहिए कि वो कोई गुस्सा कर रहा है और बैठा है और हम उसी हॉल में। तो बट सभी कर रहे हैं ये लोग, शायद निमृत और प्रियंका भी आपको दिखेंगे वैसे ही साथ में, मतलब ये शिव का वाद है वो क्यूपिड प्ले करने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी को वो वाला वाइब अच्छा नहीं लगेगा, वो एनर्जी अच्छी नहीं लगेगी, कि जो हम घर में सहन कर रहे थे, क्योंकि एक जगह पे बैठा है तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, घुमा फिरा के गार्डन जाओ और दूसरे दिन नॉमिनेशन है, वो तो हमारा हक था। वो बहुत सुकून था बताया उस घर में, और वहाँ से पूरी पिक्चरें देखते थे हम। और देखो मैं सजेस्ट करूंगी आप निमृत प्रियंका का तो रिस्क ले भी लेना, टीना शालीन के लिए एक बार सोच ले। मुझे लगता है टीना शालीन जैसे दूर है बेचारे वैसे ही रहे फालतू में, वो कुछ दुनिया से अलग लोग है वो, और बेचारे सच्चे वो सच्ची में अच्छे है वो पर्सन, दोनों दिल से अच्छे है, और मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये गेम खत्म हो गया है।
शिव आप पहले नहीं है, टीना शालीन के एक और दोस्त से मेरी बात हुई तो उसने बोला उन दोनों को दूर ही रहने दे क्या हम लोग। किसने बोला सर? अली मर्चेंट निकल, मैंने दोस्त है पर मैंने एक भी फ्रेम में दोनों को कभी खुश नहीं देखा है, तो दोनों को अलग ही रहने। तो सही कहा उन्होंने, वो गलत बोल ही नहीं सकते। दूर अच्छे हैं बेचारे दोनों को, वो प्यार वाला कुछ इनको ये नहीं मिला है, बिग बॉस में आशीर्वाद नहीं मिला है, तो वो दोनों अकेले ज़्यादा खुश लगते हैं। शिव आपकी घंटी दिल की नहीं बजी इसमें बिग बॉस में जाके किसी को देख कर? मैंने देखा बट बजी नहीं मेरी, क्या पता वो वाला जोन नहीं था या सब लोग शिव सब शिव क्या होता है वो यहाँ पे सच्ची में आपकी मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी ना, मैं दो मिनट सोचूंगा और निकल जाऊँगा, मतलब आपको बोलूँगा नहीं, बिग बॉस में ऑप्शन नहीं था। तो हर कोई शिव को ऐसे ही कर रहा था, तो प्यार तो दूर दूर तक नहीं होता था, दोस्ती तो मैं बस मंडली तक थी, बाकी सब था कि इसको कैसे ये करे, तो कैसे प्यार होगा क्योंकि वो मासूम से चेहरा मुझे ऐसे ही करता था। बट नहीं नहीं मुझे सच में प्यार व्यार वाला वो घंटा बजा ही नहीं, घंटी नहीं बजी, वो वाला शायद पहले बज चुका था, तो इसलिए होता ना कि हर बार नहीं हो सकता ना प्यार, और सोच समझ के भी नहीं हो सकता, तो इसीलिए शायद। निमृत के साथ लोगों को आपका बॉन्ड बहुत अच्छा लगा, आप दोनों का म्यूज़िक वीडियो भी आ रहा है, मतलब दो तीन सॉन्ग आए हुए हैं दोनों के लिए, बट अभी तक वो जो टीम है हम दोनों सोच रहे कि और थोड़ा बादशाह भाई का है, अरिजीत सर का है, और नेहा मैम का भी चलेगा, नेहा कक्कर मैम का, तो थोड़ा और ज़्यादा मज़ा। हाँ सही बात कह रहे हैं, आपने भी घंटी बजने की बात की, देखो सक्सेस आने के बाद ना लड़कियों के भी बहुत प्रपोजल्स आते हैं, तो फ़ोन तो भरा रहता होगा? फ़ोन भरा रहता है, बट वो जो रानी वाला मैसेज है वो मैं मतलब ऐसे नहीं कहना चाहता कि किसी को हम डेट कर रहे हैं बेचारी का हर्ट करो, ये तो मस्ती वाला पार्ट है, बिंदी लॉन्ग हेयर ये सब ना एक रानी की तरह उसको रखूँ, और एक बार अगर किसी बना लूँ अपना तो लास्ट तक लेके जाऊँ, तो वो अच्छा लगता है कि हाय शिव वो देखे, बट ऐसा था ना वो बॉन्ड भरा तो है, बट अभी सच्ची में पढ़ना भी नहीं हो रहा है, वो इतना मज़ा आ रहा है मुझे देख देख के, छोटी छोटी चीज़, और मुझे इतना पता भी नहीं था कि इतनी छोटी छोटी चीज़ नोटिस की जाती है और की गई है बाहर, और हम करते ना यार कितना एक्सप्लेन करें खुद को, पर इतना सही है कि बिग बॉस का कि बाहर आपको बाहर की दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, आप गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही हो। बाहर आने के बाद ऐसा लगा कि कोई आपसे नाराज़ था मंडली का मेंबर? क्योंकि जब मैंने सुम्बुल का इंटरव्यू किया तो उसने बोला था कि मैंने वो कन्फेशन रूम वाली चीज़ देखी, थोड़ा हर्ट हुई मैं, पर स्टिव बाहर आएगा बड़े भाई जैसा है तो पूछूंगी मैं। नहीं उसमें हर्ट की मतलब मुझे लगता है कि अगर उसने पूछा भी नहीं, और मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें हुई है और फैमिली में होती रहती है, और कुछ चीज़ें थी जो बिग बॉस पूछते थे हमें जवाब देना पड़ता था, और मुझे लगता है कि ये तो चलता रहेगा और वो रूठेगी नहीं, कोई नहीं रूठेगा, मैं बताता हूँ ना वो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत दूर, मंडली बहुत ऊपर है, मतलब किसी ने हमारे पहले दिन से मंडली को तोड़ने का ट्राई किया, क्या क्या बताया गया, ये डसेगा वो डसेगा नाग नागिन सब हो गया, मंडली वही के वही रही, और लास्ट में मंडली की जीत हुई, तो मुझे लगता है कि अब नहीं होगा, वहाँ पे नहीं हुआ तो अब क्या होगा। बात ने 20 ब्रांड साइन किए हैं ऐसा मैंने सुना। नहीं नहीं सही है, उसका हक है, और उसका जो टूर है इंडिया टूर वो भी बुक हो चुका है, अभी तो मैं उसको एक प्रॉमिस किया था कि ब्रो मेरा दिल पूरा तेरा 6 महीने में घर होगा, उसका उसका घर हो जाएगा 6 महीने। आप जाएंगे आप उनके साथ किसी म्यूज़िक वीडियो में मंडली नज़र आएगी? वो पता नहीं, हम जब भी म्यूज़िक वीडियो उसका आएगा क्लैप करके शेयर करने के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए बिग बॉस का? हक से मंडली। सिर्फ मंडली है या सब है? नहीं मंडली बस, बाकी लोगों के साथ नहीं बनाया? ये बनाना चाहिए था, मतलब शायद अभी कहीं मिलेंगे तो ठीक है, अभी थोड़ा वो जो नफरत है थोड़ा दूर धीरे धीरे ख़त्म हो जाए तो अच्छे से बन पाएगा, अभी मंडली का तो बना हुआ है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना तो एडमिन कौन बनेगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम कौन होगा, कौन उसमें साइलेंट रहेगा, कौन सबसे ज़्यादा मैसेजेस? सबसे ज़्यादा मैसेज अब्दू भेज सकता है, और लड़कियों को सबसे ज़्यादा करेगा वो, मतलब अंदर भी हमारे साथ बात नहीं करेगा मतलब लड़कियों की ज़्यादा करेगा, एडमिन शालीन करेगा कि शायद शालीन कर सकता है एडमिन, और सबसे ज़्यादा बात कम अंकित, वहीं पे भी मुझे लगता अंकित भी बिजी है बेचारा इसीलिए। नहीं नहीं आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स। फिल्म विंडो ना साथ में ही दे दूँ ना दोनों दू। नमस्ते, राम राम, मैं हूँ आपका शिव मनोरा उत्तम झिंगू जी गंजू ठाकरे, आपका शिव ठाकरे, आप देख रहे हो फिल्म विंडो एंड टीवी विंडो। फिल्म विंडो, 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 फिल्म
यस। नमस्ते, राम राम। मैं हूँ आपका शिव मनोराव उत्तम राव झिंगू जी गनू जी ठाकरे, मतलब आपका शिव ठाकरे, और आप मुझे देख रहे हो फिल्म विंडो में और टीवी विंडो में। गणपति बप्पा मोरया।